माता दी राधे राधे, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका। सो आज है संडे, दिवाली से आई थिंक 3-4 दिन पहले का ये है दिन। संडे है आज। अभी कंफ्यूजन है 31st और 1 में, पता नहीं देखे कब होता है। वैसे 31st ही ज़्यादातर लोग बोल रहे, तो 31st ही में भी होगा। सो यस, आज हमको कहीं जाना है। स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखाया ही। सो मेरी आदत है, जो भी कपड़े ऊपर होते हैं मैं वही रिपीट एंड रिपीट कर देती हूँ 2-3 टाइम्स। सो आप लोग माइंड नहीं करना। और अभी मैं फटाफट से नहा के रेडी हो जाती हूँ, वहाँ का देखती हूँ शूट कर पाऊँगी तो आपको थोड़ा बहुत शूट करूँगी एंड एक कोलैब की वीडियो शूट करूँगी। सो यस, आज का दिन कुछ इस तरीके से जाने वाला था। प्लान बहुत कुछ था, बट क्या होने वाला होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे हम प्लान करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम मतलब हमारे बस की नहीं होती हैं, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स या कोई और ऐसी प्रॉब्लम्स आती है फैमिलीज़ में। सो यस, लास्ट नाइट मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, बिकॉज गैस बन गया था उनको। सो हेडेक था उनको, वॉमिट थी। सो रात में मैंने नेट पे सर्च करके पढ़ा, रात नहीं सुबह हो गई थी, 5 बज रहे थे। सो वहाँ पे दिया था कि नींबू देने से आराम आएगा, तो ऑफकोर्स नींबू दिया तो उनको आराम आ गया। मतलब एक नींबू फ्रिज में था, नींबू अभी था नहीं क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई, तो नींबू इतना वैसे हम रखते हैं बट अभी ध्यान नहीं था, बट मतलब एक था मतलब मेरे फ्रिज में। सो उससे उनको आराम आ गया। सो इस वजह से आज का जो काम है जो हमने प्लान किया था वो पूरा नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, काम तो होते रहेंगे, मैनेज हो जाएंगे आगे पीछे करके, इंसान स्वस्थ होना चाहिए। सो यस, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया था जो मैंने कपड़े निकाले हैं, काम मैंने ऑलमोस्ट सारा ही कर लिया है, लेकिन फिर भी आप मेरा रूम थोड़ा मैसे ही देखेंगे ही। सो यस, यहाँ पे टाइग आया था जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया था, इसमें एक फ्री भी है, तो यहाँ पे मैंने अनबॉक्स करके रखा हुआ है। सो यस, अब नहा लेते हैं एंड मैंने दिवाली गिफ्ट भी अपने हस्बैंड के लिए ख़रीदा है। सो थोड़ा बहुत वहाँ की क्लिप अगर जो शूट किए वो शेयर कर देते हैं। हाय फैमिलीज, जय माता दी। सो यहाँ पे फटाफट से हम रेडी हो रहे हैं, संडे का दिन है और मुझे मस्कारा अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं आई मेकअप डे में कभी भी करती नहीं हूँ, मैं मेकअप बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ, ऐसा आप लोगों को पता ही है। हाँ, कोई फेस्टिवल पड़ता है या फिर कोई पार्टी वगैरह होती है तो करती हूँ, लेकिन फिर भी लाइट ही मेकअप रखती हूँ। आज मैंने ब्राउन ड्रेस पहना था तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आई को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा मेकअप किया, सिमर सेड एंड एज अ आई लाइनर ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया है, बहुत लाइट लाइट सा। और यहाँ पे फाइनली दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो यस, ये वाला जो फ्रॉक है ना, ये मैंने मीशो से बाय किया था, 2 साल हो गया, बट एज इट इज़ है, मतलब फिटिंग में ना तो मतलब टाइट नहीं हुआ, ढीला का तो कोई सवाल ही नहीं है। खैर, और यहाँ पर हम निकल रहे हैं और एक लोगों ने बोला कि मैं हेलमेट घर से ही पहन लेती हूँ बहुत पहले व्लॉग में। येस गाइज, बिकॉज हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे, जैसे गेट लॉक करने के लिए चाबी होती है, हस्बैंड का हेलमेट होता है वगैरह वगैरह। सो इसलिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था क्योंकि एक बार मुझे याद आ रहा है 4 साल हो गए मैं निकली थी, सेक्टर 18 मार्केट है, आप लोगों में से कौन कौन लोग गए हैं बताइएगा। सो इतनी भीड़ थी पहली बार सच में मैं धनतेरस में गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गई थी, बाइक से नहीं गई थी, भीड़ का ही सोच के, अदरवाइज़ हम लोग निकल भी नहीं पाते। और आज मुझे वो सीन वापस से याद आ गई, मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी उस बारे में, तो वो बता रहे थे कि हाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये तो संडे की क्लिप है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा जाम था। और यहाँ पर हस्बैंड जी रुके हैं पेट्रोल भराने, व्यू बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और यहाँ पे जो पीछे देख रहे हैं ना प्लांट वगैरह, ये मैं आपको अपना फ्रॉक ही दिखा रही थी पूरा लुक। सो यहाँ पे मैंने लगे हाथ एक शॉर्ट शूट किया जो कि इंस्टा एंड यूट्यूब दोनों पे अपलोड कर दूँगी। सो यहाँ पर हम खा पी के निकल गए, अंदर का मैं कुछ भी शूट नहीं की, खाना बहुत ही अच्छा था। ये दिवाली लंच पार्टी था जो कि हम लोगों ने अटेंड किया, काफ़ी लोग आए हुए थे और फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके की पार्टी अटेंड की। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है नवरात्र के टाइम से ही, इसलिए मैं ऐसी लग रही करती हूँ जितने भी मिनट का होगा, 2, 4, 6 जो भी होगा, क्योंकि ये व्लॉग मैं मंगलवार को मतलब सोमवार से मंगलवार तक लाइव कर दूँगी। मंगलवार को मैं दिवाली मतलब धनतेरस व्लॉग शूट करूँगी। सो चलिए फटाफट से अभी ये सब समेटती हूँ जो मैं यहाँ पर फैला के सारा गई थी, और उसके बाद रेस्ट करती हूँ क्योंकि दोपहर के बज गए हैं 1, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 1 नहीं बल्कि 1:30 बजने वाले हैं। और हस्बैंड जी अब ऑफिस जाएंगे और मैं रेस्ट करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे रखे हैं कपड़े, और भी कपड़े हैं, इन सबको वॉश करूँगी क्योंकि फिर कल भी हमें घर ये सेल्फ पूरा क्लीन करना है, क्योंकि ये मैश ही बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसको तो अभी मैंने किया था, इसको क्लीन करूँगी एंड उसके बाद क्या कहते हैं लाइट लगाऊँगी। तो कल भी मैं भी व्लॉग स्टार्ट करूँगी
और कल से और धनतेरस तक का कंटिन्यू करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं धनतेरस ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।